और दो सालों के बाद ये जो है अद्भुत नज़ारा, श्रद्धा का, धर्म का ये अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम काश्मीरी गेट के समीप खड़े हैं जहाँ से कांवड़ी यात्रा निकाल रहे हैं। इनसे जानने का भी कोशिश करेंगे, आज से कांवड़ यात्रा, सावन का पहला सोमवार है, दिल्ली में भी आप लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं सर? हम हरिद्वार से आ रहे हैं जी। और कहाँ तक आप ऐसे चलते जाएंगे? हम जाएंगे नगर के पास पड़ता है तसई। अच्छा बिल्कुल, ये आज सावन का पहला सोमवार है, ऐसी क्या मान्यताएं हैं भगवान शिव को लेकर, और आप कितने दूर तक लगातार पैदल चलेंगे? हमारी भगवान शिव से यही प्रार्थना होती है कि जो भी हमारे परिवार में जो भी समस्या है उनका दुख है, कष्ट दूर करो। जो भी किसी के कोई भी समस्या होती है, या बच्चे की है या किसी भी प्रकार की समस्या होती है, उसका समाधान करें। और कम से कम हम किलोमीटर 700 किलोमीटर चलेंगे। बिल्कुल। और ये आप जल कहाँ से लेकर आ रहे हैं, और किस शिवालय में आपने जलाभिषेक किया शंकर भगवान का, और आपका अंतिम पड़ाव क्या होगा, फिर उससे आगे आप कैसे बढ़ेंगे? हम लीलगंठ गए थे, यहाँ से शुरू में पहले अपने अमृतसर स्नान किया था, अमृतसर से नीलकंठ गए थे, नीलकंठ से फिर वापस आए हैं, फिर हमने कांवड़ सजाई है, हमारी कांवड़ सजा के फिर हमने जल लिया है, गंगा जल से जल लेकर के हम वहाँ से हरिद्वार से रवाना हो गए हैं। हरिद्वार से रवाना होने के बाद में हम अब ऐसे रुक रुक के हर शिविर पे और अपने रेगुलर चलते आ रहे हैं। बिल्कुल। और मानक ऐसा भी है कि दो सालों के बाद ही जो है कांवड़ यात्रा को फिर से, एक जो प्रतिबंध लगा हुआ था कि कांवड़ यात्रा नहीं निकल पा रहे थे, तमाम शिवालय बंद थे, पूजन पर भी रोक थी, लेकिन अब फिर से कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से शुरू हो सका है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब भोले की कृपा है, भोले ने जो किया है सब उसी के आधार से चल रहा है, और हम भी जा रहे हैं ये भोले के आधार से जा रहे हैं। गंगा मैया, हम ही जो यहाँ पे आए हैं भोले के आशीर्वाद से आए हैं, और ये कांवड़ भी जा रही है, भोले ही लेके जा रहा है, हमारी हिम्मत नहीं जो हम कांवड़ ले जा सकते हैं। ये गंगा मैया में इतनी शक्ति होती है, किसी भी में कोई भी घर में कोई भी कष्ट है, जल का छींटा पड़ जाए तो वो सही हो जाता है। बिल्कुल सर, आप भी साथ में हैं इस कांवड़ यात्रा के, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे? भाई साहब जिला अलवर हरिद्वार से आ रहे हैं, जिला अलवर वहाँ के पास कठुमर तहसील, वहाँ के पास हमारा गाँव में दयालपुरा, वहाँ पर जाएंगे। और ये कहाँ से जल लेकर आ रहे हैं, जलाभिषेक कहाँ से करके आ रहे हैं, अंतिम पड़ाव कहाँ होगा, कहाँ दर्शन पूजन होगा? हरिद्वार से जल आए, गंगा जी से भरा हुआ जल, पड़ाव अंतिम पड़ाव हमारे वहीं होगा। अच्छा, और अभी चलते चलते मैंने ये भी देखा कि आप लोगों को थोड़ा दूर कर रहे हैं, ये ऐसी क्या मान्यता है कि आपसे कोई बीच में टच भी ना हो? हाँ, नियम है इसके, गंगा जल की वो है, इसकी गंगा जल के टच हो गए कांवड़ खंडित हो जाएगी, खंडित होगी तो पूरी मेहनत खराब हो जाएगी, बहुत समस्या, बहुत सेफ्टी से ले जानी पड़ती है। और ये नंगे पांव भी चलना होता है, कभी कभी पैदल भी चलना होता है, काफ़ी लंबा यात्रा होता है, बात आप कह रहे हैं कि टच भी नहीं होना चाहिए, कितनी कठिनाइयां होती हैं, और कठिनाइयां में आप अपने आप को कैसे वहां तक पहुंचाते हैं? ये तो कठिनाई तो जो आदमी कर्म करे वैसे फल गाए हो, अगर मेहनत करेंगे तो परमात्मा भी देगा, मेहनत नहीं करेंगे बगैर मेहनत तो कसम नहीं जाए। सावन का आज पहला सोमवार है, सावन की शुरुआत कुछ दिनों से पहले ही हो गई थी, और जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को फिर से एक बार छूट दे दी गई है भारत सरकार द्वारा और तमाम राज्य सरकारों द्वारा, पहले इस पर प्रतिबंध भी लगा था, तो कितनी उत्सुकता है इसको लेकर, क्योंकि दो साल बाद पुनः आप कांवड़ यात्रा निकाल पा रहे हैं? बहुत खुश है जनता, बहुत खुश है भाई साहब। कहाँ तक जाएंगे कांवड़ यात्रा? कांवड़ यात्रा वहीं जाएंगे, आए जहाँ से महुआ वाला जी। अच्छा, और ये कितने किलोमीटर तक आप पैदल ऐसे चलते रहेंगे? 650 के आसपास हो जाता है। इस प्रकार से देखा जा रहा था कि लगातार दो साल तक ये कांवड़ यात्रियों पर प्रतिबंध लगा हुआ था कोरोना वायरस के मद्देनज़र, और फिर से ये पुनः शुरुआत किया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे बढ़िया है, पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी, हालांकि सरकार की तरफ से पहले बंद कर दिया है, इसको दिक्कत नहीं है, अब की बार ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं कांवड़ यात्री। कितनी उत्साह है लेकर इस चीज़? काफ़ी उमंग है इनको। बिल्कुल, यहाँ पे और भी लोग हैं, बात करते हैं, कहाँ से आ रहे हैं सर? हम वहाँ से आ रहे हैं हरिद्वार से। अच्छा, कहाँ तक जाना है ये कांवड़ यात्रा से? ये अलवर से मालाखेड़ा जाएगी। अच्छा, तमाम कठिनाइयाँ होती हैं, काफ़ी किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, ऐसा भी मानक होता है कि आप किसी से छुआएं ना, क्योंकि गंगा जल भी अशुद्ध हो जाता है ऐसे में, तो इन तमाम कठिनाइयों के साथ अपने आप को कैसे आप इतने दूर तक ले जाते हैं, और क्या कैसी उमंग, कैसी उत्साह होती है? बहुत बड़ी उमंग रहती है हमारे अंदर, भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए उमंग होती है। और यहाँ जो अलवर जो जाएगा वहाँ से हरिद्वार तक उत्तर प्रदेश तक ठीक है, हमको मिला है, दिल्ली में कुछ गड़बड़ मिली है। अच्छा, दिल्ली में क्या गड़बड़, क्या कुछ व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं यहाँ पे? कुछ नहीं व्यवस्था है। बिल्कुल, और जिस प्रकार से ये बता रहे थे कि जनता काफ़ी खुश है, हम काफ़ी खुश हैं,
और लगातार हम अपने कांवड़ यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर नंगे पांव चलेंगे, पैदल यात्रा करेंगे, तमाम तरह की कठिनाइयां भी हैं इनके साथ कि इनसे कोई टच ना हो, क्योंकि ऐसा इनका मान्यता है कि जो ये जल लिए हैं उस जल को अगर किसी ने छू दिया तो वो खंडित भी हो जाएगा। तो तमाम कठिनाइयों के साथ ये कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से शुरू हुई है, काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा है इन कांवड़ियों के अंदर। कैमरामैन प्रताप के साथ प्यारे मोहन त्रिपाठी, दी न्यूज़ 15 दिल्ली।